चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगी रजनी जी भावना को। सौम्य शान मधुर वाणी की धनी ऐसी है रजनी जी भावना। लायंस 13 पंक्ति महिला मंडल एवं अन्य कई संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। लॉकडाउन पीरियड में जैन धर्म प्रशिक्षण की ऑनलाइन क्लासेस से लोगों को बहुत लाभ पहुंचाया। आप स्वांतर सुखाय महिला मंच के पास्ट प्रेसिडेंट हैं और इनके लिए दो पंक्तियां रजनी जी कि रजनी के धैर्य ने उजाले का द्वार खटखटाया है। अभी प्रकाश की बातें हो रही थी, सपना जी उस प्रकाश की बात कर रही थी या अपने जीवन में जो वेद प्रकाश के मिले उनकी बात कर रही थी, इसका राज तो हो ही जाने, लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि रजनी के धैर्य ने उजाले का द्वार खटखटाया है और आपके मधुर संगीत ने दिल सबका हर्षाया है। रजनी जी भावना। बहुत खूब सुमन जी, प्रकाश के बाद आपने रजनी को बुलाया है और इतनी बड़ी बड़ी कवित्रियों के बाद इस नन्हे मुन्ने बच्चे का नंबर आया है तो पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे नहीं मालूम। तो सबसे पहले राजस्थानी एकेडमी के प्रेसिडेंट गौरव भैया और सुमन जी सेक्रेटरी को और सभी राजस्थान प्रेमियों को बहुत बहुत सादर जय जिनेन्द्र करती हूँ। खम्मागढ़ी, आज का विषय धीरज है और मुझे तो इस विषय को सुनकर इतना ही समझ में आया कि सिर्फ दूसरे को उपदेश दे सकते हैं हम इस शब्द के द्वारा, पर जब अपने पर बीतती है तो हम धीरज खो बैठते हैं। तो कठिन समय सहजता से बीत जाए इसके लिए चलिए आज अपने मन को समझाते हैं और धीरज के महत्व को समझने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ दोहे लिखे हैं, आपको सुनाती हूँ। अंधियारा चहूर है कांटे राह बिछाए, सब्र का दीप जलाए ले धीरज सफल बनाए रे मनवा, धीरज सफल बनाए। धीरे धीरे रवि उगे धीरे पुष्प खिलाए, रे मन मत ना धीर बन धीरज सफल बनाए रे मनवा, धीरज सफल बनाए। धीरे धीरे दुख बीते सुख पल भर में पलाए, इम्तिहान का वक्त है धीरज सफल बनाए रे मनवा, धीरज सफल बनाए। पहुँच सितारों तक बने मन अरमान जगाए, अभी उड़ान बाकी है धीरज सफल बनाए रे मनवा, धीरज सफल बनाए। समय समय का फेर है समय बड़ा बलवान, समय ही घाव भरा करे धीरज सफल बनाए रे मनवा, धीरज सफल बनाए। धीरज का न विकल्प है धीरज मन में धार, धीरज मन का भाव है
जपे शिव पायरी मनवा, भाव जपे शिव पाय, भाव जपे शिव पायरी रजनी, भाव जपे शिव पाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद रजनी जी, बहुत मधुर कंठ में बहुत अच्छी बातें, बहुत प्यारे स्वर और प्यारी बातें, धन्यवाद रजनी जी।